अस्सलाम वालेकुम, की हाल है सारे दोस्तों का। जक्की नगर यूट्यूब च वेलकम है जी सारे। अज असी लगे हाँ बनाउन अपना मैंगो टूटी फ्रूटी मिल्कशेक। ये स्वीटनर जिहड़ा इस्तेमाल करना असी उन खजूर नू करांगे, बड़ा बेहतरीन बनता है। तो आ जाओ हुण तुहानू असी रैसपी दसदे हां किदां बनदी है, तो जरा नेड़े नेड़े आ जाओ सारे। सब तो पहला तो असी इहदी गुटली कर लेनी है, डंडी ला देनी है खजूर दी। खजूर दी गुटलियां असी कढ़ लईआं वा, ते हुण असी आम दे छिलके उतार लेने है, इह डंडियां कट लेनी है, इसका छिलका भी उतार लेना। ठीक है, सब तो पहले तो पा लेनी है जी विच इहदे खजूर, फिर पा देनी है जी बर्फ जिहड़ी कुटी हुई अपनी बारीक कुट के पाउणी है। फिर तुसीं जिहड़ा अंब कटिया है वह पा देना है। इहदे कुछ क्यूब्स रख लेने जिहड़े खूबसूरत जिहे होण ना, जरा वह रख लेने ताकि आपां गलास दे उत्ते जरा डेकोरेशन उहनां दी लावांगे। उस तो बाद पा देना जी दुध। दुध इहदे विच कड़िया ही सही रहिंदा हुंदा है। अपना मिल्क शेक बन गया माशाल्लाह, कैसा फ्लफी फ्लफी टाइप है। गलासां जी एक एक चम्मच टूटी फ्रूटी का पा लेना। ये टूटी फ्रूटी भी याद रखे कि मैं खुद बनाई सी, ये धोने के छिलड़ा ना बहुत चंगी बनती है, जिन्हें तरबूज कह देंगे हो। तो ये भी किसी दिन मैं रैसपी ला देवगा, वैसे मैं लिखी तो है, किसी दिन ला देंगे, ये भी तुम देख लियो। अज असी घर च ना चार बंदे हैं, तो इस वास्ते मैं चार कप ही बनाए हैं अपना गिलास। ए खजूर विच जिहड़ी है ना ये बड़ी मज़ेदार लगती हुंदी है, बंदा माड़ा माड़ा चबावे मिल्क शेक पीने के नाल, माड़ी माड़ी खजूर ते टूटी फ्रूटी इन्हें चबावे तो बड़ा मज़ा आता है। थोड़ी थोड़ी आप उत्ते पा दईए, सोहनी लगती हुंदी है, नाले जरा शुरू जी तो खीर जो जायका आ जाता ना वो मज़ा ज़्यादा करता है। लो जी अपना टूटी फ्रूटी मैंगो मिल्क शेक मुकम्मल हो गया, बेहतरीन बन गया, तो मैक भी बड़ा सोहना आन दिया, तो देखने तो सुपर है ना। तुसी सेम इसे रैसपी ने बनाना, एवं पंजी मिनट ही बन जाता वा, बड़ा सोहना बनता है। तो बच्चों घर च बना के दो ताकि वह बाहरों ना पीन, बेहतरीन तो साफ सुथरा। बाकी अगर थोनों साड़ी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर तो लाजमी कर दिया करो, तो नाले सारे भैन भरावों शेयर करने का मतलब यह होंगे वा कि तुसी अपनी जो इनफॉर्मेशन है सारे दे सको, और अगर थानू कोई इस बारे है इलम वो सानू दसो, साढ़े मेरे चैनल पर आके मैनशन कर दिया करो बस। बाकी दुआओं याद रखियो। अस्सलाम वालेकुम।